ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो गर्मी का सितम जारी है, लोग परेशान हैं। धूप इतनी कड़ी होती है कि घर से बाहर लोग निकलना नहीं चाहते। हवाएं तो चलती है, लेकिन वो हवाएं ठंड नहीं होती, बल्कि उस हवाओं से भी गर्म हवा निकलता है। गर्मी का चढ़ता पारा जनता को कर रहा है हैरान। ना बिजली मिलती, ना पानी मिलता, कैसे सूखेगा पसीना? हे भगवान, ये गर्मी कब तक सताएगी? प्यास बुझाता कौवा, आइसक्रीम खाता बंदर और भीषण गर्मी में पानी से नहाता इंसान, गर्मी का टॉर्चर कुछ इस कदर इंसान और जानवरों पर पड़ रहा है कि लोग इससे बचने के उपाय नहीं खोज पा रहे हैं। दो दिन से धूप छांव और बदरी की राहत के बाद एक बार फिर तेज धूप लोगों के माथे से पसीना सूखने नहीं दे रही है। दिन पे दिन टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है और हमें पता है यूपी में इतनी सारी मतलब इतना टेम्परेचर और गर्मी पड़ता है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। लू भी चल रहा है तो सनस्क्रॉच बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो हम लोग स्टोव और ठंडे पानी का बॉटल ग्लूकोज सब लेकर के ही चलते हैं। पानी की तो बहुत समस्या है हमारे, घर से निकलो तो पानी मतलब पी के चलो या बाहर जाओ कहीं तो पानी की समस्या बहुत कठिन है। पानी मिलने पीने के मिलता है, जगह जगह मतलब कहीं भी जाओ वहाँ बहुत भीड़ रहती है पानी की। मौसम तो बहुत पारा मतलब जो है कम से कम इस समय से तुम्हारे समझ 42% के जो है आसपास होगा ऐसा मौसम गर्मी का। मौसम की गर्मी तो बहुत ज्यादा ही पड़ी, मतलब कि नहीं लू लपट चल रही है, 43-44 डिग्री तापमान है, मतलब तो जाओ झुलफा देने की गर्मी पड़ रही है। पानी की दूसरी किल्लत दिक्कत है, पैदल मिल नहीं पा रहा, खुद पानी मिल नहीं पा रहा, इतनी दूर 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 आना पड़ता है, ऐसे सरकारी विभाग पानी ले जाते हैं पीने के लिए, और जो घरों में नलों पानी और प्रदूषित पानी है मतलब करने के लिए तू जान ले मतलब डायरिया वगैरह तमाम बीमारियां उससे हो रही हैं। आसमान से बरस रही आग के बीच लोग अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की बोतल में ग्लूकोज मिलाकर अपनी ऊर्जा को बनाए रखने की कोशिश भी की जा रही है। तो पूरा चेहरा ढकना पड़ जाता है, सनग्लासेस लेने पड़ते हैं, प्लस निकलने से पहले सनस्क्रीन तो अब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। पहले 15 SPF लगती थी, अब धीरे धीरे बढ़ के वो 45-60 SPF जा रही है, तो कहीं ना